इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस। वन लाइनर है तो जल्दी जल्दी देखेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको गलती लगती है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है उसे पिन कर देंगे ऊपर। अगर आप वहां जाके चेक भी कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आपको वहां पे मिल जाएगा वो। ओके, बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि जो क्वेश्चन है वो सारे सही ही हों। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई गलत है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का, यहाँ पे देखिए मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछा है तो कन्याकुमारी हो जाएगा। सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछता तो कौन सा हो जाता? इंदिरा पॉइंट हो जाता। बाद में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है असम का त्योहार। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बैंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। गिद्दा और भंगड़ा जो है ये पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बेयर्ड ने। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्कोडिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में समुद्र के रास्ते में, तो सी रूट जो था वो वास्कोडिगामा ने डिस्कवर किया था। वास्कोडिगामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911, कई जगह आपको 12 भी मिलेगा लेकिन 11 में ही बन गई थी। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा माना जाता है? तो वो है आम को। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात राष्ट्रीय झंडे में वो है 3:1, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। भारत का राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा किस और देश का राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? बांग्लादेश का।
राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसे लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है सक संवत पर। राष्ट्र गाने की गान की अवधि जो होती है वो 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बैकरेल ने। पेसमेकर का संबंध है शरीर के हृदय से। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टेजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? वो थी तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल चली थी बंबई से ठाणे तक। पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। रेल का आरंभ हुआ था भारत में 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। और इस समय इसमें कितने सदस्य हैं? 193। कितने सदस्य होते हैं टोटल? सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? द हेग नीदरलैंड में है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अभी एंटोनियो गुटरेस है, बान की मून नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए होते हैं अस्थायी सदस्य। 193वां सदस्य जो बना था वो बना था दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव जो बंद नहीं होता है, खून के थक्के नहीं जमते, वो विटामिन के की कमी में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद। 2016 में ओलंपिक खेले गए रियो डी जेनेरो में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम में। विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मिथेन होती है। स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला व मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारतंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लुसान स्विट्जरलैंड में है। 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में। ओलंपिक ध्वज में जो है 5 गोले होते हैं जो महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल होंगे टोक्यो जापान में। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था 1900 में और महिलाओं को भी जो है परमिशन जो थी महिलाएं भी जो है इसमें भाग लेने लगी थी 1900 से ही। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास किसने दिया था नारा? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई के। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपाल चारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री।
विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जनको ताबी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान ताप पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह जो था अशिक्षित था? तो अकबर जो था अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन माना जाता है? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनेटर। ओके, मनुष्य के शरीर में हड्डियां 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट नई दिल्ली में, ताजमहल आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था असहयोग आंदोलन के टाइम पे। जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तू मुझे खून दूं मैं तुम्हें आजादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम आराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओके, मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, नारा दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक के रहे हैं? राजाराम मोहन राय की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाते? 2 अक्टूबर को। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बुक है महात्मा गांधी की। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने सर्वोच्च भारतीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रॉन्ग। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरंड कंप रिलेटेड है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। दक्षेश में 8 सदस्य एमबीबीएस मैन, आपको मैंने ट्रिक बता रखी है तो इनके नाम है। भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516। विश्व में मीका यानी कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड था जीटी रोड, ये सिरसा सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से सकरवी। दूध में विटामिन जो नहीं होता है वो होता है विटामिन सी। ठीक है, एक और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो किसी मांसाहारी उसमें नहीं पाया जाता है, तो वो है विटामिन सी, जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। खून का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से, और विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील है ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सिफ्लोरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे? तो ये हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजाराज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था ब्राजील में। 2018 का हुआ
रूस में। 2014 की कॉमनवेल्थ खेल हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आगे है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो था जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो वो था 370 के तहत, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग होता है और उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। होपमैन कप रिलेटेड है टेनिस से। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चितरंजन दास। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। बाद में सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म थी। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि थाई में होती है। मानव शरीर में पेशियां होती है 639। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति रिलेटेड है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा हुई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सेल्युकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मैक्सथनीज। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। विटामिन की खोज की फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन क्रोमियम और निकल के। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान किस लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबिका। और बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत के। राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। ओके, आगे देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वॉटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपिकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन। मोनोजाइट वालू में खनिज होता है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख आयसक कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं जिसे, रेक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्यातारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल के सबसे निचली सतह शोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में समय लगता है 4 मिनट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां सांस लेती है गलफड़ की सहायता से, गलफड़ों की। हरे पौधों द्वारा भोजन प्रणाली की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। किसे सीमांतकार निकहते? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर से यहां से लूट कर जो है अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की, बांग्लादेश के साथ। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टेन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? ओडिशा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। A1KB जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू, जिसमें इसमें जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की 1940 में। कमन वील पत्रिका का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। लॉर्ड केनिंग ने नवंबर 1858 में यहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उद्धम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अब जो है 25 उच्च न्यायालय हो गए, याद रखिए। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम केरल से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली भी केरल से। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बैनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की संघीय सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था इन्हें। मिड डे मील योजना जो थी शुरू हुई थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला जो है ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक मानते हैं हनीमैन को। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष 25 वर्ष, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी जो है ये लोक चित्रकला शैली है बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो है कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी से बताका बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहला भारतीय कौन था? मिहिर सैन। एक अश्वशक्ति कितने वोट के बराबर होती है? 746 वोट हॉर्स पावर। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता अपरावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का। वानों के एयरलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है?
अवतल का आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कहते हैं लाल, हरा और नीला को, RGB। ठीक है। वायुयान के टायरों में गैस भरी जाती है हीलियम। टंका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग जो है ये आंख को प्रभावित करता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। ठीक है, दूध में इलेक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर कार्य करता है नाभिक के सल्यन पर। पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 से। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है विटामिन D की। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 डिग्री फारेनहाइट। लेंस की क्षमता मात्रा क्या होती है? डायोप्टर। कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसिक जो है ये खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रास्रवित रंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय दादाभाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदीन सभापति उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। लोकसभा में 2। नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग जो है शरीर के दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा होती है येन, चाइना की होती है युआन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। डेविस कम का संबंध जो है टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? पूना के पास खड़गवास में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर है। पौधों में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 80 से 120 मिलीमीटर। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वो है भगत मूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न स्तन लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना होती है हर 10 वर्ष के बाद। मेघदूत की रचना की कालिदास ने। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटले। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की रॉबर्ट बोडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य से रिलेटेड है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार शुरू किए गए थे 1961 में। भारत की मानक समय रेखा ली गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे।
मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंसी की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। कोई भी देख धन भी देख नहीं इसका फैसला करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी यात्रा जो थी वो 1930 में ही थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को। अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना लगाया था सूरत गुजरात में। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक लिखी है अबुल फजल ने। बुली शब्द जो है ये हॉकी से रिलेटेड है। उड़नपरी कहा जाता है पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये ट्रांबे मुंबई में। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगापट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामिक का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्ला खान का संबंध है शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार रिलेटेड है फिल्मों से। एड्स का पूर्ण रिश्ते एक्वायर्ड अम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला बनवाया मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में। आगा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किया जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किया इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो वो है नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाव भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। ओके, उगते और डूबते समय सूर्यलाल प्रतीत होता है लाल रंग के, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। भूस्थ उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनती है? लैक्टोबैसिलस। प्रासरवैत रंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम जो है ये नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW किस खेल से रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बासु पश्चिम बंगाल से। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर। कासा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक लिखी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद करता है? तो 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे पर? सरयू नदी की। जयपुर की स्थापना किसने की? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डूरंड कप रिलेटेड है फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किए गए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को कोयादरी जो था इब्न बतूता जो भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस मनाया जाता है लेबर डे 1 मई को। ओडिसी जो है ये ओडिसा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध जो है ये सतलुज नदी पर है। भारत का क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है देशांतर रेखा, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जो जाती है वो होती है अक्षांश रेखाएं। महात्मा गांधी की हत्या कब किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? मां नदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल हरियाणा में, NDRI। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1567, 1761 के तीन ऐतिहासिक जो युद्ध थे किस नगर में हुए थे? पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर, ठीक है, और पूर्वी साइड कौन सा है? पूर्व की साइड, पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देना है? फ्रोबेल के। NCERT की स्थापना हुई 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवदत्त ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से। रूस की मुद्रा रूबेल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। कटक जो है महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में अक्षर होते हैं 2, 0 और 1। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हुए थे 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया था? बर्मा, म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। उसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उसी के कारण। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। और जनगणमन यानी कि राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदाबख्श पुस्तकालय है पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जेम्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में 14 बैंकों का। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86 में संशोधन द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो वो था संपत्ति का अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है मकर रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा की सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। होपमैन कप जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की सतल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? शोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर? दक्षिणी चीन सागर। ओके, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभी निष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं श्री धरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अब ये चेंज हो चुका है, वैसे बेशक छोड़ दीजिए इसे। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में और 323 में जो है इसकी मतलब डेथ हो गई थी सिकंदर के। भारत का संविधान तैयार होता है 2 साल 11 मास 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन। प्रोटोन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भारतीय प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर है? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना की रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ 1969 से। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। प्रथम बोध काउंसिल जो है कब कहां और किसके शासनकाल में? 483 BC राजग्रह अजात शत्रु के टाइम पे। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान जो है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें? तो 80 हैं, उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। चौथी बोधि काउंसिल कब और कहां किसके संरक्षण में हुई थी? 98 AD कुंडलवन कश्मीर के संरक्षण में। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन देशों को बांटती? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। तीसरी बोधि काउंसिल कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से है और ये पाली भाषा में लिखे गए थे। भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कहलाती है कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द जो थे प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। वित्त मंत्रालय में जो सचिव होता है वित्त सचिव उसके। संसद के दो स्तरों के बीच अधिकतम अवधि हो सकती है 6 महीने की। ऋतु समाहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% भाग पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? नैनीताल के पास। बर्डी ईगल बोगी पार्टी हॉल इन वन शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो ये गोल्फ से है। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक जो था पोलो यानी कि चोगन खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद बुक लिखी थी जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? चंदेल वंश के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ केरण गुजरात में। मीन कैंप किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की। मीरा संघर्ष दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 या 26 ईस्वी में। ठीक है, 26 में मिलता है कई जगह, तो 1025-26 दोनों याद रखिए। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाली गैंडो के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा असम। रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था 1398 में। वेट एक मिनट, आगे देखिए। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गई? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को दफनाया गया सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना हुई 1948 में। अमजद अली खान जो है ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है जोग या गरसोपा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 385,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कोलार में कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये तो एक आई थिंक कट गया है। वेट, आठ मिनट और 16.6 सेकंड का समय जो है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम लेता है। पन्ना की खानी किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिश्र। जय जवान जय किसान का जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने।
गाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन कासम मंकी वाद्य यंत्र से तबला से, अमेरिका की खोज की 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया 1896 में, सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, वायुयान की खोज की थी राइट बंधुज ने, राइट ब्रदर्स ने, ओलिवियर और विलिवियर राइट ने, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका में, सात पहाड़ियों का नगर कहलाता है रोम, सख्त मत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया 22 मार्च 1957 को, रेडियम की खोज की थी पियरे और मैरी क्यूरी ने, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है 165 मीटर, किस ग्रह के चारों ओर वलय है तो शनि ग्रह के, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, सफेद हाथियों वाला देश थाईलैंड, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है ऑस्ट्रेलिया का, सुंदरलाल बहुगुणा कसम मन किस आंदोलन से है तो यह है चिपको आंदोलन से। सन 1983 में स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई 23 मार्च 1931 को, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाया था तेंजिंग नोर्के भारत से और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड, पद्मावत की रचना किसने की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, सोजे वतन पुस्तक लिखी मुंशी प्रेमचंद ने, अलीगढ़ आंदोलन ये सर सैयद अहमद खान जो थे इससे रिलेटेड थे, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी जहांगीर ने, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था गोवा, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी दिवाली वाले दिन, कादम्बरी किसकी रचना है बाणभट्ट की, भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन में, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है ग्रेफाइट की, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है ब्राह्मी में, रिवर्स क्लिफ फ्लिक का संबंध है हॉकी से, शुष्क सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड, मानस अभयारण्य असम में, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है ये भारत का है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है परिवार नियोजन कार्यक्रम का, श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने, गांधी इरविन समझौता हुआ 3 मार्च 1931 को, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है प्रधानमंत्री के, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण, पश्चिमी और पूर्वी घाट की खाड़ियों में मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 में, क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में राई में है, भारतीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी संस्कृत भाषा में, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओडायर की हत्या की थी उद्धम सिंह ने, सत्यशोधक समाज की स्थापना की महात्मा ज्योतिबा फुले ने, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है तमिलनाडु में, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावल, पहली सफल फिल्म, पहली फिल्म वैसे धरती थी बट वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सी देते हैं, ओके पहली सफल फिल्म भी कौन सी मानी जाती है चंद्रावल, इससे पहली भी कौन सी थी बहुरानी थी, ठीक है तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। फिर असम का पुराना नाम क्या है कामरूप, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ 1973 में, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है सल्फर के कारण, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया सरकारिया आयोग, नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियन इंग्लैंड के रहने वाला थे, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड कहलाती है शुद्र ग्रह, पृथ्वी पर दिन रात कहां बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है भारत में, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया, दक्षिण भारत का प्रोच शिखर है अनाई मोडी, ओके सरदार सरोवर परियोजना नदी किस नदी पर बनाई गई नर्मदा नदी पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है कोरोमंडल तट, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात राज्य में, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह जम्मू कश्मीर में, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है शुक्र ग्रह, हरित क्रांति का जनक भारत में भारत में माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को और विश्व में माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है मीथेन गैस, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफोरोल, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महर्षि दयानंद ने, विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया बाल गंगाधर तिलक ने, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड केनिंग टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था भू राजस्व व्यवस्था से, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, पोलियो का टीका किसने खोजा था जोनस सॉल्क ने, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है गोमतेश्वर की, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है अमेजन की, जून सितंबर के दौरान होने वाली फसलें क्या कहलाती है खरीफ, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनवाया था नेकचंद ने, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है सुपीरियर झील, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार रिलेटेड है कुश्ती से, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड केनिंग,
स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार को। कूका आंदोलन चला था गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्ट प्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या कर दी थी? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की थी जहांगीर ने। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर है पूरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4 जगह पर। हरिद्वार गंगा पर, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। ठीक है, अजंता की गुफा में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। ठीक है, भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ हुआ 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता वह थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी 1955 ईस्वी में डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। ओके, कौन ये इसमें डाउट है, ये गलत है आई थिंक, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? तो वो है अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% भाग पर। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3,214। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के अंतर कितना है? 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। पीर पंजाल सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज यहाँ हिमालय पर्वत है, वहां पहले क्या था? टिथिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पेरियार केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा कहलाती है सदा ए सरहद। कोयले की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानगृह कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर में। गैम्बिट शब्द जो है ये स्तरण से जुड़ा है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फुट की। सिली पॉइंट जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने। इसरो का मुख्यालय बैंगलोर में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए होता है? एड्स रोग की। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। खुपर का वह मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में। सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 27.78%। ओके, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात कितना है? 940। महिलाओं का प्रति हजार पुरुष पर अनुपात सबसे कम है हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय है देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री जो है ये आर्कटिक क्षेत्र में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब लागू आरंभ हुआ था? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टीम बर्नर्स ली। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषा में लिखा होता है? 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देना है? फ्रांस की राज्य क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से प्रावर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। शोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर तक। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर तक। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1854 में। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पहली लड़ाई पानीपत की हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के रूप में। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप था। पश्चिमी घाट को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की। तंबाकू के धुएं में निकोटीन तत्व पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 मास के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में जो है हीलियम गैस का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? पलीहा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था मैडम भिकाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का संगठन किया राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे.जे. थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए थे न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किया ओटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके आवश्यक है? लोहे के। कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अमल। मातृकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। WBC का कार्य है सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कहलाता है एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना कहलाता है ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित कोरम क्या है? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह कहलाती है झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। ओके, तो ये थे 1000 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।